क्या होगा इसका एच किसके साथ निकलेगा सी एच थ्री सी ओ के साथ क्या निकल गया सी एच थ्री सी डबल ओ बेंजीन रिंग एंड एच सी ओ सी एच क्या नाम हो गया इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह कौन सा है एमाइड एमाइड है सी ओ एन ये एमाइड एन से जुड़े हुए समूह को पहले लिखेंगे एन फेनिल दो कार्बन सामान्य नाम लिखेंगे तो एसिड एमाइड एन फेनिल एसिड आयोबेसी लिखेंगे तो एन फेनिल एथेनेमाइड लेकिन एक इसका सामान्य नाम और होता है एसिटैनिलाइड क्या कहेंगे इसको हम एसिटैनिलाइड अब जो पहले इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था बेंजीन में भाई यहां क्रियाशील तक क्यों पड़ गई थी इसके अनुनाद के साथ यहां देखें पूरे के पूरे लोन पे बेंजीन में जा रहे थे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएंगे उतनी ज्यादा क्रियाशीलता बढ़ी अब यहां ये लोन पेयर दो हिस्सों में बढ़ गया एक तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा अनुनाद इधर भी होगा और अनुनाद इधर भी दोनों तरफ अनुनाद होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहां पर कि जितने इलेक्ट्रॉन पहले जा रहे थे उतने नहीं जाएंगे और क्रियाशीलता कम होगी अब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं ब्रोमीन से ब्रोमीन यदि अपन देखें तो आपको ब्रोमीन जल मिलना मुश्किल होगा आपको मिलते क्या है ब्रोमीन के कैप्सूल्स जैसे आपने इंजेक्शन देखे हैं वैसे ही इंजेक्शन टाइप में ही कैप्सूल आपको मिलते कांच की बोतल होती है छोटी सी होती है और वो बहुत हैवी क्या होती है कंसंट्रेटेड होती है जैसे आप उसको फोड़ते हो फोड़ते ही वेपर बाहर निकलने लग जाते हैं इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि यदि ब्रोमीन आपके शरीर में जाएगी तो कैंसर का रीजन होता है तो क्या किया जाता है जनरली ब्रोमीन की जगह पर ब्रोमीन को एसिटिक अम्ल में डिजॉल्व कर दिया जैसे यहां हम ब्रोमीन कैप्सूल ना लेकर के हम क्या करते हैं ब्रोमीन एसिटिक अम्ल में घुला हुआ है तो कई किताबों में आपको यहाँ ब्रोमीन वाटर मिल जाएगा कई किताबों ब्रोमीन प्लस एसिटिक अम्ल मिल जाएगा तो होने की जरूरत नहीं है ऐसे के कमरे में उसको घूम कर इसलिए रखते हैं जिससे कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना जैसे रिएक्शन होगी कहां होगी रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा यहां जुड़ जाएगा या फिर माइनस ऑफ एच लास्ट में क्या करेंगे हम इसका जलंबन क्षारीय माध्य क्या होगा ये यहां से टूटेगा अब एच यहां एच पूरा एच क्या बन गया अब ऑर्थो और पैरा ब्रोमीन बेंजीन बीआर प्लस बेंजीन रिंग एनएच टू बीआर और यहां से क्या निकल गया सीएच टू सी डबल ओ हमने जब ब्रोमीन की साधारण रूप में एनालिसिस से अभिक्रिया की तो ब्रोमीन ऑर्थो ऑर्थो और पैरा तीनों जगह एक साथ लेकिन हमें ये तीनों फॉर्म पर जुड़ा हुआ चाहिए नहीं था हमें क्या चाहिए था केवल ऑर्थो या फिर केवल तो हमने पता किया भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो पता पड़ा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन रिंग में जाने की वजह से इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ गई और क्रियाशीलता ज्यादा बढ़ गई है तो तीनों पॉइंट पर एक साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसकी क्रियाशीलता करना यदि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन एक साथ अंदर जा रहे हैं तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अंदर तो जाए लेकिन 100 के 100 नहीं जाए कम तो हम इसका क्या करते हैं ऐसे जैसे एसिडीकरण करेंगे इसके दो हिस्से हो गए लोन पेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता पहले के तुलना में कम अब या तो अभिक्रिया ऑर्थो पर होगी या अभिक्रिया जिसका हम जलावघटन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ऑर्थो और पैरा स्थिति में प्राप्त ठीक है भाई लिख लो इसको
ऐसी टैनी लाइट Thank you.
क्या और नाइट्रीकरण करेंगे तो अब कहां जुड़ जाएगा ये, या तो ऑर्थो पर या फिर
जिसका लास्ट में क्या करते हैं जल अपघटन, क्या बन जाएगा NO2 और बात सही में आई भी है। तो पहले फर्स्ट रिएक्शन लिखें क्यों पहले लिखी भैया सर लिखी ना काफी लेकिन इस अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा और को तथा पैरा यौगिकों के साथ साथ मैका यौगिक भी प्राप्त होता मैका यौगिक भी प्राप्त होता है क्योंकि अभिक्रिया में प्रयुक्त अम्ल से निकलने वाला H+ आयन एनिलिन से जुड़कर एनिलीनियम बनाता है जो कि मेटानेरिस होता है। अब सेकंड वाली ऊपर लिखी हुई रिएक्शन क्या आगे
अतः एनिलीन का सीधे नाइट्रीकरण से उपयुक्त उत्पाद प्राप्त नहीं होती, इसके कारण नाइट्रीकरण से पूर्व एनिलीन का एसिडीकरण किया जाए इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है। और अभिक्रिया से केवल ऑर्थो तथा पैरा यौगिक ही प्राप्त ठीक है भैया, लास्ट वाली रिएक्शन है। ठीक है भाई, ठीक है भैया।
देखिए भाई अगला देखिए सल्फोनीकरण, 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 देखिए भाई यदि हम एनिलीन की रिएक्शन किससे कर देते हैं सल्फोनिक सल्फ्यूरिक एच एच एस ओ फोर और वो भी कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक, फ्यूम्ड का मतलब क्या चीज मिक्स होगी एसओ थ्री गैस, ये यहां से टूटेगा प्लस और मन प्लस पार्ट कहां जाके जुड़ेगा नाइट्रोजन, क्यों क्योंकि ये कैसा छाई जैसे ही हम यहां पर इसको लिखेंगे तो NH3 प्लस HSO4 माइनस नाम क्या हो गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको गर्म कर गर्म करने पर यहां एच एक एच ये ऑक्सीजन ये और एच क्या निकल जाएगा एच और ये पूरा ग्रुप घूम के कहां आएगा इस तरह क्या हो जाएगा पुनर्विनियम NH2 और यहां क्या बनेगा SO3H, ये कौन सा समूह है क्षारीय, कैसा समूह है ये और ये कैसा समूह है अम्लीय, एक क्षारीय समूह है और एक अम्लीय समूह है, बताते हो जब किसी यौगिक में क्षारीय और अम्लीय दोनों समूह होते हैं तो उसमें एक विशेष अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक लवण, क्या होता है आंतरिक लवण, क्या हो गया हाँ अम्ल किसको कहते हैं जो एच प्लस किसको देते हैं जल में एच प्लस आयन होते हैं और कुछ अम्ल क्या होते हैं जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति एच प्लस आयन देने की प्रवृत्ति इसमें किसी भी माध्यम लेकिन माध्यम आवश्यक अब किसको देने की प्रवृत्ति आपकी किसी दूसरे इसमें क्या होगा कि जैसे ही यहां ये H प्लस देगा और इसके H प्लस को कौन ग्रहण कर लेगा क्षार दूसरा समूह लेकिन उसी यौगिक का क्या होगा यहां से जैसी रिएक्शन हुई ये NH3 प्लस और ये क्या बन गया SO3 माइनस अपना H प्लस अपने ही दूसरे यौगिक को दे दिया जब किसी भी यौगिक में ऐसी घटना होती है तो बनने वाले समूह को ज्वीटर आयन बोलते हैं। ज्वीटर आयन का दूसरा नाम होता है आंतरिक लवण या द्विध्रुवीय आयन, ये तीनों नाम होते हैं। ज्वीटर आयन बनाने की क्षमता पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही यौगिकों में है या तो इस वाले यौगिक या फिर एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स भी एमिनो अम्ल भी क्या करते हैं ज्वीटर आयन, इसका नाम पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लेकिन इसको इतने बड़े नाम से ना जान करके दूसरा नाम लिखते हैं सल्फे नैलिक अम्ल, सल्फेनिलिक अम्ल, क्लियर भैया तो सल्फेनिलिक अम्ल में और एमिनो अम्ल में दोनों में क्या अंतर है ज्वीटर आयन बनाने की बात में आगे भैया अम्ल कौन होते हैं जो दूसरे को एच प्लस देते हैं लेकिन इनमें क्या होता है ये अपने ही यौगिक के दूसरे समूह को एच प्लस देते हैं जिससे क्या बन जाते हैं द्वि ध्रुवीय आयन बन जाते हैं, ठीक है तो लिखे इसके बिना सब गलत है लेकिन जब जब एनिलीन की अभिक्रिया जब एनिलीन की अभिक्रिया
सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम फ्यूम लिखा हुआ है, फ्यूम को हिंदी में सधूम बोलते हैं, और सधूम का मतलब क्या होता है, जब उसमें कोई गैस है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है, तो सल्फेनिलिक अम्ल का निर्माण होता है, सल्फेनिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जो कि आंतरिक उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप, आंतरिक उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप ज्वीटर आयन का निर्माण करते, ज्वीटर आयन का निर्माण करते, ज्वीटर आयन का निर्माण करते। ठीक है भैया, बोले इसमें डाउट, ये आपका एनिलिन कंप्लीट हो गया है।